हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग कह रहे ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कह रही ऐसे। आज मैं आपके साथ अपना ये ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र डिज़ाइन की वीडियो शेयर करूँ, जिसमें हमने ब्यूटीफुल सा गोल्डन बीट का काम किया है और एंकर थ्रेड का काम किया है, जो बनने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। आपको भी इंशाल्लाह ये डिज़ाइन पसंद आएगा और आप इसे अपने ट्राउज़र पर ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए पेपर फ्यूजिंग। यहाँ मैंने टू फोल्ड पे पेपर फ्यूजिंग ली, क्योंकि दोनों पाउचों की मैंने एक ही साथ कट कर ली थी। तो आपने नीचे से जो लेंथ वाइज जो आपको निशान लगाने ना, वो आपने 6 इंच के निशान लगाने हैं। जितनी भी आपकी ट्राउज़र की विड्थ है, आपने उतनी चौड़ी इसको हमारी पेपर फ्यूजिंग ले लेनी है। उसके बाद आपने 6 6 इंच या ऊपर तक ऐसा एक मार्क कर लेना, जितना भी आपका मार्क है, ठीक है, सारा ऊपर से नीचे तक। फिर उसके बाद आपने 4 इंच पे एक और मार्क करना है। देख, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, सेम बस आपने ऐसे ही इसको फॉलो करना है। अगर आप इसे अपने अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच की मार्क करनी। अब आपने स्केल की हेल्प बिल्कुल सामने एकदम ऊपर की तरफ भी 4 इंच पर एक एक मार्क और कर लें। इस तरीके से हमारे सारे मार्क कंप्लीट हो गए। अब आपने पहले वाले मार्क को मिलाना है। इस तरीके से आपने थोड़ी सी तिरछी लाइन देनी। अब बीच वाला मार्क छोड़ के दूसरे वाले मार्क से ये वाले मार्क को मिलाना है, ठीक है। बस आपने ऐसे जिगजैग वाला एक डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। फिर आपने इसके अंदर जो हमने लाइनिंग बनाई है, जिसमें हमने बीट्स लगाए हैं, बस वो काम आपने करना है। अब आपने आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। मैंने यहाँ 1/2 इंच से थोड़ा कम मार्जिन पर ये निशान लगाए हैं। आप चाहें तो 1/2 इंच भी कर सकते हैं, बट 1/2 इंच ना करना, क्योंकि फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। जो आप मेरे आपने देखे ना ट्राउज़र में आई है, वो फिनिशिंग चाहिए। तो आपने 1/2 इंच से कम पे ही ये मार्क करना है, ठीक है। और इस तरीके से जितना भी आपको यहाँ पे मैंने 7 लाइन बनाई थी, आप चाहें तो 8 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं या 5 भी कर सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगता है, आप उतनी लाइन इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट होगी, जिसे मैंने अपने ट्राउज़र पे पेस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 1/2 गोल्ड बीट रहेंगी और ये एंकर थ्रेड लिए हैं। आपने इसको क्या करना है, अपने बॉबिन में भरना है। जैसे हाथ से ही भर लें, बहुत ईजी रहता है। और हल्की सी नीचे वाली बॉबिन को आपने लूज़ करना है। उसके बाद आपने ये धागा फंसा के देखना है कि कितना लूज़, जिसमें हमें चाहिए था उतना है। तो बस फिर इसे नीचे लगा दें, ऊपर से आपने दूसरा गोल्डन धागा लगाना है और बस सिंपल सी आपने सिलाई करते जाना है। आपकी जो भी आप स्टिचिंग के पॉइंट रखते हैं ना, बस उसको उसी पॉइंट पे ही रखना है। कुछ ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। मैं उसी पॉइंट पे ही स्टिच करती हूँ, ना कम करती हूँ ना ज़्यादा करती हूँ, और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये मेरी तरफ से एक आपकी छोटी सी टिप्स है कि आप अपने जो भी पॉइंट रखते हैं ना सिलाई की, उसको छेड़े मत। सिर्फ नीचे बॉबिन को ही हल्का सा लूज़ करें, बाकी कोई भी चीज़ आपने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक आपने सारी लाइंस बना लेनी है। जैसे ही आपकी लाइंस कंप्लीट होंगी, उसमें आप अपना गोल्डन बीट का काम कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ये मेरी लाइंस मैंने आपको दिखा दी हैं, ये किस तरीके से कंप्लीट हुई हैं। उसी तरीके से सेम आपने सारी की सारी दोनों पाउचे की लाइन आपने कंप्लीट करनी है एक के बाद एक। और जो भी हमारा एंकर थ्रेड का नीचे जॉइंट आएगा ना, वो आपने कोशिश ऐसे करनी है कि वो जॉइंट आपका लास्ट में आए। और धागा आपको पता ही होता है आपने कितना रखना है। बस ये हमारी सारी एंकर थ्रेड की लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसमें गोल्डन बीट्स लगा देने। गोल्डन बीट्स लगाते हुए मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, तो इसलिए मैंने गोल्डन बीट्स नहीं लगाया। यहाँ पर मैं आपको पूरा बना हुआ दिखा रही हूँ और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।